नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो ट्रैवल योगी। ये मॉर्निंग रिचुअल का फोर्थ वीडियो है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो डे टू डे काफ़ी टफ डिसीजन लेना होता है इन्हें, या फिर काफ़ी प्रेशराइज डिसीजन लेना होता है। मोस्टली हम लोग जैसे आईटी में हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस, मॉर्निंग स्टार्ट होते ही चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली साउंड पे वर्क करता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो तीन बेसिक साउंड्स होते हैं जिसमें टंग यूज़ नहीं होता है, और तीनों को अलग अलग करने से अलग अलग जगह रिवर्बरेशन होती हैं बॉडी में। तो सबसे पहले हम आ साउंड को प्रोनाउंस करेंगे। उसके लिए जो प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस ये है कि आपका हाथ रेस्ट मोड में होना चाहिए, कम्प्लीटली बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए और ये अप होना चाहिए, ये हाथ अप होना चाहिए। इसको अगर डाउन करेंगे, डाउन करके कुछ भी करेंगे तो इसका भी साइड इफेक्ट होता है, दिस शोज नेगेटिविटी। हाँ, इसको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप 30 दिन हमेशा हाथ उल्टा करके रखिए, अपने आप सारी नेगेटिविटी आपके अंदर घुस जाएगी। ये हमने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए हाथ अप। तो सबसे पहले हम पूरी सांस लेंगे और सर्कल में, माउथ को सर्कल में आ करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ रिवर्बरेशंस हो रही हैं, कहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है मोस्टली। तो आपको साउंड के फॉर्म में एक्सेल करना है, नॉर्मल नाक से नाक निकाल के उसको साउंड के फॉर्म में एक्सेल करना है। और धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि इधर कहीं इसके नीचे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, वहाँ से सेकंड जो होता है वो होता है ओ। इसमें भी टंग यूज़ नहीं होता है, इसमें भी हाथ आप ओ। इसमें भी कम्प्लीटली साउंड के फॉर्म में एक्सेल करना है। थर्ड होता है उसके लिए माउथ पूरा बंद रखना है, जीभ का कोई यूज नहीं होगा, हाथ अप। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे जब भी मुंह बंद रहेगा तो जो भी ऊंग साउंड आती है मोस्टली रिवर्बरेट होकर सर के ऊपर से निकल जाती है। अब तीनों को एक बार करेंगे, पूरी लंबी सांस लेंगे, माउथ को अप करेंगे और स्लोली माउथ को धीरे धीरे अपने आप बंद कर लेंगे, देखते क्या साउंड प्रोड्यूस होता है।
इसको या तो ओम के फॉर्म में 7 बार कर सकते हैं, अगर आपको टाइम परमिट करना है, टाइम परमिट करता है तो 1 बाय 1 आ 7 टाइम्स, ओ 7 टाइम्स, ओम 7 टाइम्स। इसको डाउन द लाइन आपको और एक्सपीरियंस अच्छा करना है तो 14 देन 21 टाइम्स तीनों को रिपीट कर सकते हैं। और इससे बेसिकली जो मुझे ऑब्जर्व हुआ है कि जो भी एनी काइंड ऑफ फियर्स, जो डर होता है मन में, या फिर कुछ बोलने का डर होता है या कुछ करने का डर होता है, ये धीरे धीरे टाइम के साथ ख़त्म हो जाता है। और हाँ, ये आपके बॉडी को सिंक करता है अगेन, और ये सब इम्पैक्ट करता है आपके डे टू डे लाइफ और स्लीपिंग पैटर्न और स्लीपिंग कोटा। जस्ट इमेजिन कि आप 365 दिन में 2-2 घंटे बचा लिए, तो आप उस 2 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।